नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुबह सुबह आतिशी, जो कि केजरीवाल के कैबिनेट की एक बहुत ही बहुचर्चित मंत्री हैं, आज उन्होंने ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर एक बड़ा खुलासा किया है। और उस खुलासे के बाद ऐसा लग रहा है कि जो ईडी की पूरी जांच है वो अपने आप में ही एक बड़ा घोटाला है। वो कम से कम ये दावे आतिशी ने किए हैं। और आतिशी ने ये कहा है कि ईडी ने जिस तरीके से जबरन लोगों से स्टेटमेंट्स उगलवाए हैं, लोगों को फोर्स किया है कि वो अपने स्टेटमेंट्स को रजिस्टर करें, और उसके अलावा जो बहुत बड़ी बात जो अभी तक इसके पहले नहीं आई थी कि ईडी ने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर दिया है। अब इसका संदर्भ क्या है? संदर्भ तब सामने आया जब शराब घोटाले का जो एक विटनेस था उसने कोर्ट से ये कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, क्योंकि उसको ये पता चला कि कागज पर ईडी ने जो दावे किए थे और असल में जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें बहुत फर्क है। यानी कि ईडी ने दावा कुछ और किया है, कागज पर कुछ और लिखा है। इसलिए उस विटनेस ने सीसीटीवी का फुटेज मांगा और आतिशी ने ये क्लेम किया है कि अब ये बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि ईडी के पास कोई आधार नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे और निराधार तरीके से इस पूरे शराब घोटाले को बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ईडी को आज पूरा कटघरे में खड़ा किया है। और कल से ही आतिशी ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर लिखा था कि बिग ईडी एक्सपोजे एट 10 AM इन द मॉर्निंग। ये आज की बात है, कल से अगर उनका आप ट्विटर फॉलो करें तो उस पर यही चल रहा था। लेकिन आज 10 बजे, इसके पहले कि वो घोटाला करती, इसके पहले कम से कम 12 लोकेशंस पर आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, और जैसे कि एनडी गुप्ता, अरविंद केजरीवाल के पीए और तमाम लोगों के घर पर और छापे पड़े और ईडी ने उन पर रेड्स डाली हैं। तो कई लोगों ने ये कहा कि देखिये रेड्स इसीलिए पड़ी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे, ताकि किसी न किसी तरीके से ये खुलासा ना हो पाए। अब ये खुलासा क्या है, इसको हम समझते हैं। खुलासे में दो तीन जो बातें बहुत क्लियरली इसमें कही गई हैं। सबसे पहले ये है कि जो सीसीटीवी का जो फुटेज है उसको ईडी द्वारा, उसका जो ऑडियो है उसे डिलीट किया गया है। कागज पर ईडी ने इंटरोगेशन में जिन बातों के होने का दावा किया है उसका कोई सबूत नहीं है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ईडी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रही है, जिस तरीके से छेड़छाड़ कर रही है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ, वो वाकई में सुप्रीम कोर्ट के ही एक ऑर्डर का उल्लंघन है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर में कहा था कि चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जब भी वो जांच करते हैं तो सीसीटीवी का ऑडियो और वीडियो दोनों होना चाहिए। तो आज उसी ऑर्डर का हवाला आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो क्या आज ये जो खुलासा आतिशी ने किया है, क्या ईडी के काम करने का तरीका यही है? क्या आज ये सिद्ध हो गया है कि ईडी इस समय मोदी सरकार की गुलाम हो गई है? और क्या चीज आज आतिशी क्या इस चीज को प्रूव करने में सफल हो पाई है? अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ वेबसाइट्स पर यह भी देख रही थी कि शायद ईडी अब आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को कोर्ट घसीटेगी और उनको चैलेंज करने की कोशिश करेगी। जब ये पूरा जो मामला है, ये जो सामने आया है, इसको लेकर शायद ईडी कोर्ट जाए। लेकिन इसको लेकर अभी कोई औपचारिक पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सोर्स बेस्ड स्टोरीज आ रही है कि ईडी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को के नेताओं को इस चीज में कोर्ट में दोबारा घसीटे, जो एक्सपोजे आज किया है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान है और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। अकील खान, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर और एक्टिविस्ट भी हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर और पूर्व प्रोफेसर एमिटी यूनिवर्सिटी के, थैंक यू सो मच। और प्रेम कुमार जी, संपादक प्रणाम इंडिया के, थैंक यू सो मच प्रेम जी फॉर ज्वाइनिंग। और आज की चर्चा में अकील खान से शुरू करती हूँ कि अकील जी, आज का जो खुलासा है, क्या जो तथ्य आज आतिशी ने सामने रखे हैं, क्या इसके पहले हमें कभी पता चला कि ईडी ने इस तरीके की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को डिलीट किया हो? क्या ऐसा तथ्य पहले कभी सामने आया है, या ये आप कह सकते हैं दावे के साथ कि पहली बार ये दावा किया गया है? जी देखिए, अभी तक तो इस बारे में कोई स्टेटमेंट किसी का नहीं था। पहली बार जो ये स्टेटमेंट सामने आया है कि ये ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर तो शक और शुभा पहले से बहुत है, और जिस तरीके से ईडी ने इस तरह की कार्रवाइयां की हैं
आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दूसरे उनके अगेंस्ट में, इससे तो साफ जाहिर था नीलू जी के ये मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा, ये मतलब देश की जो राजनीति है उसको, डेमोक्रेसी को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी जो जिस तरह से आतिशी जी ने खुलासा किया उसमें उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन है तो उसके लिए सबसे पहले तो या तो गवाह हो या फिर अक्यूज्ड हो, है तो उसको कोई मतलब गवाह और अक्यूज कुछ नहीं, और उन्होंने अरेस्ट किया है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है कि जो एक गवाह ने अभी आपने बताया वो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत एम्फिसाइज किया इस बात को कि एक गवाह जो है उसको और अक्यूज को जब आमने सामने किया गया तो जो अक्यूज ने डिस्कशन किया उस गवाह से, वो ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग हुई है, और ये तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो करनी करनी जरूरी है। तो वो जब कोर्ट में पेश की गई वो चीजें, तो जो रिटिन में स्टेटमेंट के ऊपर इनके सिग्नेचर लिए गए हैं, मतलब जो भी रिटिन में स्टेटमेंट दिया गया है ईडी के द्वारा और जो वीडियो वहां पे प्रोड्यूस किए गए हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि रेपुटेशन पर ईडी की एक बहुत बड़ा दाग है, इसको उन्हें धोना बहुत जरूरी है। किस तरह से धोते हैं ये अभी बोल रहे हैं कि हम जो है जाएंगे कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर, जाइए बिल्कुल जाइए और बताइए कोर्ट को कि आपने क्या घोटाले किए, अगर कोई गड़बड़ है तो किस वजह से हुई है। इसमें तो नीलू जी कोई दो राय है ही नहीं कि इसके पीछे जो पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये हमारे देश के अंदर बहुत एक हमारे पूरे देश के विकास के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये 2024 के इलेक्शन के लिए सारा काम किया जा रहा है। तो ये आज तक हमारे देश के इतिहास में नहीं हुआ है इस तरीके का, जो षड्यंत्र रच करके और साफ साफ शब्दों में पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है, ईडी सीबीआई का किस तरह मिसयूज हो रहा है। देखिए ये बोलते हैं, इनके मिनिस्टर भी आज बोल रहे थे बीजेपी के यूपीए के टाइम में होता था, तो भाई साहब पहली बात तो ये है कि आपको यूपीए को हटाकर आपको किस लिए सत्ता दी गई है कि आप ये सब चीज खत्म करें, और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस तो चोरी चोरी चुपके चुपके जो उनका एक फेस है वो ये था, आप तो पूरी तरह गब्बर सिंह, डाकू गब्बर सिंह की तरह बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल मतलब आप किसी किसी चीज की केयर ही नहीं कर रहे हो, और जो लॉ एंड ऑर्डर और जो बेसिक मतलब नेचुरल जस्टिस का जो सिस्टम है हमारे देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसकी गारंटी दी हुई है उसको आप तहस नहस कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक सुनहत है, और ये हमारे देश के लोगों को ये उठाना बहुत जरूरी है, जो 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 भी मतलब जिम्मेदार लोग हैं और मीडिया जिम्मेदार जो है वो, और आप जिस तरह से ये इसको उठाती हैं, मैं उसके लिए आपका थैंकफुल। मैं अब प्रेम जी के साथ प्रेम पास जाना चाहूंगी कि प्रेम जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा कि आज का जो एक्सपोजे है, क्या वाकई में आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोजे लगता है? अभी तक हम लोग बातें ही करते थे, डिस्कशन में था, लेकिन अगर अब एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का खुलेआम दावा कर रही है कि देखिए ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट हुई हैं, विटनेसेस को जबरन उनसे स्टेटमेंट्स उगलवाए जा रहे हैं, और जो बात दो एग्जांपल्स आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि एक विटनेस था जिनकी जिसकी कनपट्टी पर इतनी जोर से मारा कि उसकी गर्दन में चोट लगाई है, और दूसरा किसी एक विटनेस की पत्नी को बहुत बुरी तरह से डराया धमकाया कि हम आपको जेल में डाल देंगे, इस तरीके की जो बातें सामने आई हैं और जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को डिलीट किया गया है क्योंकि दावे और जो असल सिचुएशन है उसमें जो फर्क है, आज क्या ये वाकई में साबित हो जाता है कि ईडी का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो उसके काम करने का तरीका है, वो आज एक तरीके से खुल गया है और आम आदमी पार्टी ने इसको बेनकाब कर दिया है? जी जी नीलू जी, देखिए आपका प्रश्न है कि क्या ये खुलासा है कि नहीं है, और इससे मोडस ऑपरेंडी जो है इस ईडी का खुलता है कि नहीं। बाद वाली बात तो थोड़ी समझ में आती है कि कैसे ईडी काम करती है, वो तो खुलता है, लेकिन इसको खुलासा बोलने में थोड़ा सा एक साइड बाकी है। क्या है कि इसको हम बहुत बड़ा दावा बोल सकते हैं, और ये दावा है कि वो डिलीट हो जाना ऑडियो और विजुअल का जो कि ईडी के पास है। अब ये दावा जब तक कि ईडी एक्सपोज ना हो, ईडी के पास वो बोले कि नहीं मेरे पास है ऑडियो और वीडियो,
तब तो ये एक्सपोज है ही नहीं। लेकिन अगर वो जो जिस गवाह ने कहा कि मेरे बयान में जो पूछताछ हुई उसमें और कोर्ट में जो बयान हमारा पेश किया गया उसमें दोनों में फर्क है, और इस दावे के साथ उसने मांगा कि हमें वीडियो ऑडियो चाहिए, तो अब वो वीडियो ईडी ने उसको उपलब्ध कराया ऑडियो मिटा करके, ठीक है। तो इसमें ईडी का एक पक्ष हो सकता है कि जांच चूंकि वो कर रहा है तो उसको वो नहीं भी बताना चाहता हो इसलिए ऑडियो मिटा के दिया हो, ये मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूँ, ईडी के पक्ष में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वास्तव में ईडी से अदालत मांगे कि नहीं ऑडियो आप दीजिए, और ईडी अगर देने में असफल होती है, तब ये जो बात सामने आई है वो बहुत बड़े खुलासे में तब्दील हो जाएगी। यानी खुलासा होने के लिए हमें इस बात की तस्दीक करनी पड़ेगी कि ईडी ने वास्तव में ऑडियो और वीडियो मिटा दिया है या डिस्टॉर्ट कर दिया है या जो भी है। तो इसका खुलासा मरलिना तो नहीं कर सकती, इसका खुलासा तो अदालत ही कर सकती है। मरलिना ने वो सारे सर्कमस्टांसेस रख दिए हैं जिसके बाद अब इसका जवाब देना ईडी के लिए बहुत जरूरी है, और इनसे ईडी से जवाब लेना अदालत के लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि ये हाँ आपने कहा कि ईडी को अब जवाब देना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो एक राजनीतिक सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी, जो अभी तक कोई और पार्टी नहीं कर पाई थी, क्या आज आम आदमी पार्टी ने ईडी को की जो जवाबदेही है वो आज एक तरीके से तय की है? इसके पहले हम लोगों ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखा इस तरीके से जवाबदेही ईडी की सेट करते हुए, तो क्या ये इंस्टेंस पहली बार हम देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये तकनीकी बात की खुलासा है कि नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि आपने पूछा तो हमने उसकी एक टेक्निकलिटीज को बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आतिशी ने बात रखी है वो पब्लिक डोमेन में दम ठोक कर रखी है, पूरे विश्वास से रखी है, और कम से कम एक सबूत तो है एक गवाह के तौर पर जो ऐसा कह रहा है। तो उस सबूत को, यानी उस जो ऑडियो वीडियो उनको अवेलेबल कराया गया उस गवाह को, और उसमें जो ऑडियो नहीं है, इस बात को इस रूप में सामने लाना कि ईडी के पास में जितने भी 1.5 साल से गवाही हुई है इस मामले में उसके सारे सबूत नष्ट किए गए हैं, अगर ये नष्ट किए गए हैं तब तो ये बहुत बड़ा अब तक का समझिए कि संदिग्ध जो है एक्शन है उसकी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए अभी संघर्ष करना बाकी है इस जो बात आतिशी रख रही है, और ये ईडी को कटघरे में खड़ा करता है, ईडी को डिफेंसिव भी बनाता है। लेकिन क्या ईडी को अपने साख की चिंता है या अपने आका के आदेश पर ही वो अपनी क्रेडिबिलिटी को भी दांव पर चल करके वही करेगी जो उसको करना है? जी अखिल सर, मैं अब आपके पास आती हूँ इसी सवाल को लेकर कि क्या वाकई में जो ईडी के ऑफिसर्स हैं, अभी तो डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स को अगर आप छोड़ दें, बाकी जो और ऑफिसर्स हैं उनको भी तो अपनी नौकरी प्यारी है। ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार यहाँ पर भारत में अजर अमर सरकार बन के आई है, ये भी नहीं है। तो क्या वो जो ईडी ऑफिसर्स हैं उनकी अंतरात्मा खत्म हो गई है? क्या वो इतने लाचार, इतने मजबूर हो गए हैं कि इस तरीके का एक तरीके से जो मोडस ऑपरेंडी इतनी मनमानी चल रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है? मतलब ईडी के ऑफिसर्स का मैं इस समय डीएनए समझना चाह रही हूँ क्या है। देखिए नीलू जी, एक स्थिति बिल्कुल सच है तो जी जी सर, हाँ बोलिए। देखिए नीलू जी, एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, ये केवल ईडी अधिकारियों की बात नहीं है, ये जुडिशियल ऑफिसर्स की बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात नहीं है, हम जैसे लोगों की बात भी है जो भारत की एकता अखंडता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात भी है। देखिए अगर जैसा है आज की तारीख में जनता सड़क पे नहीं उतर रही है, जनता इन सब चीजों को सहन कर रही है, जैसे जो हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस रजिस्ट्री के मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया है, एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया है, वो कहते हैं वो लैंड मेरे नाम है ही नहीं, मेरा नाम कहीं है ही नहीं, फर्जी कागज बनाया गया, एक कंप्लेंट की गई एक व्यक्ति के द्वारा जो उसमें अफेक्टेड पार्टी नहीं था, और उसको ईडी में हेमंत सोरेन को बंद कर दिया गया। अब 1-1.5 साल चलेगा, उसमें डेट पे डेट लेते जाएंगे, 1-1.5 साल बाद हेमंत सोरेन छूट जाएंगे, जैसे अनिल देशमुख छूट गए, बाकी लोग छूट गए। प्रश्न इससे बड़ा है। देखिए प्रश्न ये है, ईडी अफसर भी हमारे जैसे हैं, हमारे दिमाग में भी एक संशय आज की तारीख में पैदा हो रहा है, हमें धमकियां मिल रही, हमें खुलेआम कहा जा रहा है इलेक्शन तो हम जीतेंगे,
और 400 सीट लेके आएंगे, फिर आपको ऐसा ठोकेंगे कि आप जाने की जगह नहीं बचेगी। सवाल यह है कि जिस देश की जनता सो गई हो, ये कहां नहीं क्लियर है? लोकसभा के अंदर जो संसद के अंदर बच्चे घुसे, उनको तो यूएपीए लगा दिया, उनको तो करंट लगा के उनको आप कह रहे हैं स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, और जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनको रिकमेंड किया उन पे कोई कार्रवाई नहीं, संसद की सुरक्षा का भार जिन पे था उन पे कोई कार्रवाई नहीं, और इन बच्चों पे यूएपीए लगा दिया जो नौकरी मांगने के लिए सरदार भगत सिंह से प्रेरणा लेके अंदर गए थे। अब सवाल है, हम जैसे लोग या ईडी अधिकारियों को पता होगा, पुलिस अधिकारियों को पता होगा कि ये इन किरण प्रकार ने राहुल गांधी की यात्रा में लाखों लोग उमड़े हैं। अरविंद केजरीवाल कितना भी संघर्ष कर लें, 70% लोग दिल्ली के अंदर केजरीवाल को वोट दे दें, इसके बावजूद अगर बीजेपी जीतती है तो सरेंडर ही कर दो, वरना तो ये नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। उसके बाद जिन जिन लोगों ने कहीं किसी टीवी डिबेट में या यूट्यूब चैनल में बोला होगा, उनको सड़क पे गोली मारी जाएगी। भाई अगर देश में लोकतंत्र बचा है, अगर देश में न्यायपालिका बची है, जो चंडीगढ़ में हुआ चंचूर साहब को इस बात में क्या परेशानी थी, मसीह साहब को बुलाया जाए, उनको पेश कराया जाए, इतना टाइम लगाना, क्योंकि वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है। अरे जहां एक व्यक्ति की हत्या करने पे आजीवन कारावास होता है या फांसी होती है, यहां तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, संविधान की हत्या कर दी गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का हत्या हो गई है, लेकिन वो भी टाइम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो है वहां पे सरकार इलीगल है, अनैतिक है, लेकिन चलने चाहिए। अब सवाल यह है कि हम जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं आज की तारीख में, जो सिर में कफन बांधे अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, अब देश की आस्था अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें भी लग रहा है भैया जब कोई सुनवाई ही नहीं होनी है, और ईडी अधिकारी भी यही सोच रहे होंगे, ये जो LIC के चेयरमैन जिन्होंने अडानी में इन्वेस्टमेंट किया था, 3200 रुपए के शेयर में अप्लाई किया था, 1700 रुपए सेकेंडरी मार्केट में शेयर था, उनको नहीं पता था, लेकिन वो जानते हैं जीतेंगे तो यही इसलिए जीतेंगे कि सेटिंग हो चुकी है, आप वोट दे दो, क्या परेशानी है? तो इसके बावजूद हिम्मत रखना, तो ये सोचना है अकील साहब को, ये सोचना है केजरीवाल को, और ये अखिलेश यादव हो या जैसे नीतीश कुमार, भाई नीतीश कुमार समझ गए कि इलेक्शन तो यही जीतेंगे, तो भैया कम से कम अगर चलिए हमें चीफ मिनिस्टर से भी हटा देंगे, कम से कम ये गोली तो नहीं मारेंगे, ये चीफ मिनिस्टर जेल तो नहीं भेजेंगे। अरे जो संघर्ष कर रहे हैं उन, लेकिन जब असली मुद्दा ये है जनता तक अपनी बात हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब देखिए ये 26 जनवरी को सारे मोहल्लों में भगवा लगा हुआ है, तिरंगा लगाने वालों को तिरस्कार के भाव से देखा जा रहा है, ये वही तिरंगा है। अच्छा भगवा RSS के मुख्यालय में भी कभी नहीं लगा, आज मैं तिरंगा लगाता हूं तो मुझे कहते हैं अच्छा तिरंगा लगा रहे हो, भगवा नहीं लगा रहे हो? अरे भगवा क्यों लगाऊंगा यार, हिंदू हूं, मेरे घर के अंदर मंदिर है, पूजा पाठ करता हूं, भगवान को मानता हूं, लेकिन लगाऊंगा? झंडा तो मेरा एक ही है, वो है तिरंगा, और मेरा सबसे बड़ा ग्रंथ है वो संविधान। लेकिन मुश्किल क्या है कि हम लोग जैसे लोग जो देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, धार्मिक विद्वेष को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासी अस्मिता की बात कर रहे हैं, दलित और उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमें ये अगर ये बताया जा रहा है कि जुडिशरी आपकी नहीं सुनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका नहीं सुनेगा, हम बैलेट पेपर से इलेक्शन हो या EVM से इलेक्शन हो, हम इलेक्शन जीत ही जाएंगे और उसके बाद आपको ठोकेंगे, क्या करेगा आदमी? जैसे चीन में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है, जैसा जर्मनी में हुआ था, जो होगा देखा जाएगा। स्वामी सर जो बात अभी आ रही है कि मान लीजिए ईडी भी कोर्ट लेकर जाती है इस पूरे मैटर को, इस पूरे खुलासे को आम आदमी पार्टी के, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने तो कहा ही है कि उनको सबूत पेश करने होंगे, और किस तरह से उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को डिलीट किया है, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि भाई ऑडियो और वीडियो दोनों होना चाहिए, तो क्या वाकई में अब ईडी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल अब सामने आ गई है? ये कोई मुश्किल नहीं आई उनके लिए, कोई मुश्किल नहीं है, कोर्ट पे कोर्ट डेट देते चले जाएंगे, फिर साहब वो वकील साहब नहीं आया, सीनियर एडवोकेट नहीं आया, फिर 3 महीने बाद की डेट, फिर 6 महीने की बाइट की डेट, मई में इलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। भाई देखिए बड़े बड़े जब कुकर्म हो रहे हैं जिस देश के अंदर, और उसमें आप देख रहे हैं कि ईडी जिन लोगों पे, अजीत पवार हो या आपके हेमंत विश्व शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हो, आप बकते रहिए, बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, सुन कौन रहा है? बिल्कुल केयर्स,
तो जब आप देख रहे हैं कि ईडी जो है वो इंक्वायरी बंद कर देगी, अब आप ईडी को बुलाते रहिए, ईडी 3 साल के बाद अगर मोदी जी दोबारा 2024 में आ गए, सीना ठोक के कहेंगे कोई गवर्नर बन जाएगा, कोई राज्यपाल बन जाएगा, उनको एक संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, वो अरेस्ट नहीं हो पाएंगे, उनपे कोई केस नहीं हो पाएगा, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, किसी को प्रेसिडेंट बना देंगे, तो फिर असली मुद्दा ये है, अगर जनता को विश्वास नहीं है कि उनका दिया हुआ वोट गिना जाएगा और उनके दिए हुए वोट से हम इंडिया अलायंस को जिता पाएंगे, उसके बाद लोग हिम्मत हारने लगेंगे। हाँ, नहीं लेकिन अखिल खान, अब मुझे आप ये बताइए कि जो यथास्थिति है, कल किस कॉन्फिडेंस से मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा है कि भाई ये तो मैं श्योर करता हूं कि 370 सीटें तो बीजेपी की आ ही जाएंगी, और 400 पार का नारा उन्होंने एनडीए के लिए लगाया है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर एक राइटिंग ऑन द वॉल हमें सामने दिख रही है कि बीजेपी की सरकार बन ही रही है हर सूरत में, तो क्या होगा आज इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक रासा जो आज आतिशबाजी किया है, क्या उससे क्या चीज आज बदल जाएगी, ये बताइए। पब्लिक परसेप्शन में भी क्या चीज बदली आज इस खुलासे से? देखिए नीलू जी, कंडीशन इतनी ब्लीक नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री के कहने से इस तरह का जो है रिजल्ट मिलने की कोई उम्मीद है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा देश जो है अभी बहुत प्रबुद्ध है, बहुत इसमें अवेयरनेस है, जागरूकता है, और ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं बीजेपी वाले थ्रू उनके जो कुछ गोदी मीडिया है उनके थ्रू, ये परसेप्शंस जमीन पर तो बिल्कुल खरा नहीं उतरेगा, ये जमीन पे आकर के बिखर जाएगा ये परसेप्शन। और देश की जनता के अगर आप जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, तो वहां पर लोगों को अगर आप जाकर के इंटरव्यू करते हैं, और जो कई सर्वे भी हुए हैं उसमें लोगों का साफ कहना है कि ये बीजेपी सरकार जो है ये झूठी सरकार है, और बहुत भयंकर झूठी सरकार है जिसने अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है पिछले 10 सालों में। अब आप मोदी जी कुछ बोले, नेहरू को बोलने लगे कितने साल पहले, अरे मनमोहन सिंह जी ने तो आपसे बहुत अच्छा काम किया आपके जस्ट पहले, उसको आप नहीं। तो ये जो झूठों का जो पुलिंदा तैयार करके लोगों को समझ रहे हैं कि लोग बहुत बेवकूफ हैं, तो ऐसा नहीं है देश के अंदर। और अखिल स्वामी जी से मैं कहना चाहूंगा कि सर इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, ये हमारा देश है, अभी ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये कहीं स्टैंड नहीं करेगा। और जो आम आदमी पार्टी है, जो कांग्रेस है, और जिस तरीके से जो गठबंधन बना है उसका अभी बहुत बड़ा अहमियत है अभी, और जितना भी ये किसी तरह से जो इन्होंने अपने बिहार के सीएम को नीतीश जी को जिस तरह से अंदर किया, ये 6 महीने पहले से प्लानिंग था इनका जब नीतीश जी स्टार्ट किए थे। मुझे ये बताइए कि आज क्या अकील खान आप ये कह रहे हैं कि जो ये खुलासा हुआ है अभी ये कोर्ट में जाएगा, ईडी भी कोर्ट में लेके जाएगा, और आतिशी ने भी कहा है कि भाई कोर्ट में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सबमिट किया जाए, बताया जाए कि क्यों डिलीट हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये लंबी लड़ाई है, ठीक है, अभी चुनाव भी आ जाएगा सिर पर, लेकिन आज का जो खुलासा है उससे क्या आपको लगता है कि एक परसेप्शन आज पब्लिक में गया है कि देखिए ईडी इस तरीके से जबरन काम करती है, ऑडियो डिलीट करती है, विटनेसेस पर फोर्स डालकर और उनसे काम कराती है, उनसे स्टेटमेंट उगलवाती है, क्या आज ये परसेप्शन पूरे भारत में चला गया आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? जी बिल्कुल बिल्कुल चला गया है नीरू जी, बिल्कुल चला गया। और आतिशी जी ने जो साफ साफ बातें कही हैं, इसके पहले किसी ने नहीं कहा इस तरह की बात, जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया है एविडेंस के साथ में, और ये जाना पड़ेगा ईडी को, कोर्ट में जाने की बोल भी रही है। तो ये देखिए अभी हमारे देश के अंदर इतनी कंडीशन खराब नहीं हुई है कि इस कंडीशन के आने के बाद, क्योंकि सीजीआई ने भी चंडीगढ़ केस में बोला है कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये एक लोगों में और जो देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर निकल पड़े हैं, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने ईवीएम के अगेंस्ट में, यह तो अवेयरनेस बहुत डेवलप हो चुकी है। और दिल्ली के अंदर अभी जो अरविंद जी ने जो रैली निकाली थी उसके अंदर कितना लोग उसके अंदर इकट्ठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो अवेयरनेस सब में है, दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर जो अंडरकरेंट चल रहा है। तो ये ईडी के सामने जब जाएगी ना, ईडी जब जाएगी कोर्ट में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये आतिशी जी ने साफ कहा है। और मैं भी मानता हूं कि बिल्कुल ये इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस जब उन्होंने दिए हैं तो उसके अंदर आपने जो गवाह को, जो अक्यूज को जो वीडियो प्रोवाइड करे उसमें से ऑडियो क्यों डिलीट किया है, और आपने इस तरह डिफरेंस क्यों किया? तो ये
इतनी बुरी कंडीशन हमारे देश के अंदर नहीं हुई है कि अनपढ़ गवार या जो भी इस तरह के लोग क्रिमिनल्स लोग जिस तरीके से देश को चलाने की कोशिश करना है ये नहीं चल पाएगी। और देश की जनता देश के लोग इसमें अवेयर जागरूक हो चुके हैं और ये पूरे देश के अंदर इस तरह का और जो आज जो अतिशीजन दिया है उससे एक और जो है अवेयरनेस और जो देश के अंदर जागरूकता बढ़ी है कि ईडी भी इस तरह का काम कर रही है तो इनके ऊपर प्रेशर तो आएगा और कोर्ट बिल्कुल मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि कोर्ट जरूर इसका संज्ञान लेकर के सही डिसीजन देगा। ठीक है, अब कोर्ट की लड़ाई तो लंबी होती है। अंत में अखिल स्वामी सर प्रेम जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप ही से पूछूंगी कि क्या आज तमाम सोशल मीडिया पर ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं कि ईडी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, ईडी अब और किस हद तक गिरेगा। मैं सबकी ट्विटर टाइमलाइंस खंगालने की कोशिश कर रही हूं और सब पर यही चीज है कि ईडी मोदी सरकार की गुलाम और कितना गिरेगी। ईडी का भ्रष्टाचार आज उजागर किया आम आदमी पार्टी की आतिशी ने, ये जो परसेप्शन बन रहा है और ईडी एक्सपोजे की आज जो बात हो रही है, क्या आज वाकई में ईडी एक ठग एजेंसी के रूप में साबित हुई है? प्रेम जी भी आ गए, मैं प्रेम जी आपके पास आऊंगी, अखिल स्वामी सर से एक कॉमेंट ले लेते हैं। जी बोले। नहीं देखिए, जैसे नीलू जी आपने पूछा और कितना गिरेगी, और ज्यादा नहीं गिरेगी क्योंकि बॉटम लेवल पे है, इससे ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। देखिए ये चीज स्वतः स्पष्ट है, देखिए आज के माहौल में अखिल साहब इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं, गुंडाई का माहौल है, दबंगाई का माहौल है, ये ऐसा माहौल है हम जैसे लोगों को डर लगता, डराते हैं लोग और राइटिंग में व्हाट्सएप पे डराते हैं। इसलिए ठीक है हम तो संघर्ष करेंगे इस देश को आजाद कराने के लिए, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, महात्मा गांधी ने जान दी थी, हमारी जाएगी तो हम भी देंगे, लेकिन जनता को जो जनता आप बोल रहे हैं ना ये वोट देने नहीं, उनके वोट वोटर लिस्ट से वोट काटेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो आप लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट में लोगों के जब वहां जाएंगे 30% लोगों के नाम कट चुके होंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लड़ते रहिएगा कि 10 साल। देखिए अगर आप लोग सतर्क नहीं हुए और आपस में एकजुट होकर नहीं लड़े, मैं क्योंकि अखिल साहब एक पार्टी के प्रति उनकी सिंपैथी है, हम लोगों की बहुत बड़ा स्टेक है, अवर स्टेक्स आर वेरी हाई, अगर आप लोग मिलजुल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं लड़े, उनको नहीं हराया, और भगवान से प्रार्थना करता हूं जो आप कह रहे हैं जनता में जागरूकता है, लेकिन गुंडे और मवाली लोग उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हर तरह की गुंडाई ये लोग करेंगे जैसे इन्होंने चंडीगढ़ में की है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, ओवर कॉन्फिडेंस मत आइए, ये जनता के वोटों को भी बर्बाद कर देंगे। ठीक है, अंत में अब मैं प्रेम जी से आऊंगी और जो कंक्लूडिंग कॉमेंट है डिबेट का कि प्रेम जी जो बात जो शब्द भी अखिल स्वामी सर ने इस्तेमाल किए थे उसी शब्द को ही मैं लेकर इस्तेमाल करके जो आपसे सवाल है कि क्या आज ईडी की जो दबंगई है, जो उसकी गुंडई है, जो उसका मवालियापन जिसे हम कहेंगे, क्या आज उसको उजागर करने में एक तरीके से आम आदमी पार्टी सफल हुई है? क्योंकि आप ट्विटर पे तमाम सोशल मीडिया पर आज यही हो रहा है कि देखिए जो ईडी मोदी सरकार की गुलाम है वो कितना और गिरेगी, तो क्या आज ईडी का भ्रष्टाचार बिल्कुल स्टैब्लिश हो गया है कि ईडी अपने आप में ही एक भ्रष्टाचारी एजेंसी है? नीलू जी हम सिर्फ ईडी पर क्यों फोकस है, जो चंडीगढ़ में घटना घटी वो घटना तो ईडी जैसी ही तो है, वो भी दबंगई है, वो भी गुंडई है, डेमोक्रेसी को अब जबरदस्ती अपने हाथ में लेने की, किसी को हराने की, किसी को जिताने की एक ठेकेदारी है, लेकिन जिस तरीके से हम वहां बैठे पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करके चुप हो जाएं, पीठासीन अधिकारी तो एक व्यक्ति है, वो किसकी मर्जी को लागू कर रहा है, कल्प्रिट वो है, कल्प्रिट वो है जिसकी मर्जी को वो पीठासीन अधिकारी लागू कर रहा है। हम यहां भी ईडी के भी संदर्भ में यही देखें, ईडी किसकी मर्जी को लागू कर रहा है, किसके कहने से ऐसा कर रहा है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया है, इसलिए मैं एक सवाल और दो सवाल शायद आपसे और करूं कि आपने जो ये पॉइंट कहा जब ये ईडी अब जब कोर्ट में जाएगी, क्या ईडी भी मजबूर हो जाएगी कि मोदी सरकार को वो एक्सपोज कर दे कि भाई हमारे ऊपर इतना प्रेशर है हमें बख्श दो, क्या वो समय आ गया है कि ईडी भी अब हाथ जोड़ लेगी मोदी से? ये ऐसा प्रश्न आपने पूछा, देखिए जिस जुडिशियरी को हम देख रहे हैं कभी कभी वो एक्टिव दिखती है, किसी केस में किसी में नहीं दिखती है, वो टिप्पणी तो कर देती है, समाज के सामने आईना रख देती है, लेकिन वो अपनी विवशता का आईना भी तो रख रही है।
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अपनी मजबूरी का आईना भी हमारे सामने रख रही है कि वो क्या करे इससे आगे, उसके आदेश की तामील भी होगी, इसकी कोई गारंटी है? ये बड़ा प्रश्न है। तो ये कुल मिलाकर के ओनस जनता का आ रहा है। अखिल स्वामी सर सही कह रहे थे कि जो गुंडा, जो गुंडा बोल रहे ना, गुंडा आप एक व्यक्ति को मत समझिए, गुंडे एक व्यवहार है जो जिस किसी कोई भी माध्यम बन जाए उसके माध्यम से ये गुंडई थोपी जा रही है। डेमोक्रेसी चाहे हम महाराष्ट्र के मामले में देखते हैं, अदालत वहां टिप्पणी करके रह गई, एक अवैध सरकार चल रही है जिस सरकार को के लिए राज्यपाल ने गलत तरीके से सत्र बुलाया, स्पीकर ने गलत तरीके से व्हिप नियुक्त किया, सारी चीजें गलत ही हुई लेकिन सरकार चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है क्या? उसने टिप्पणी करके रख दिया लेकिन उससे आगे वो नहीं कर सकती। इसी तरीके से चंडीगढ़ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं क्या कि एक व्यक्ति पर टिप्पणी कर देने से हो जाएगा? आप कहते हैं कि क्यों नहीं इनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, चलाएंगे ना, रोका किसने? सुप्रीम कोर्ट किसने रोका है मुकदमा चलाने से? तो ये बोलना भर काफी नहीं, लेकिन यहां से विवशता भी पता चलती है। तो हम आप जो कह रहे हैं कि ईडी अपनी तरह ये ईडी अपने तरफ से अफसर बोले कि मेरे ऊपर किसी का दबाव था, इतना बोलने का साहस अगर रहता तो वो अफसर ऐसा करते ही क्यों? ऐसे में तो आप देखेंगे कि अफसर सुसाइड कर रहे होंगे, जान दे रहे होंगे, ऐसी घटनाएं सामने आएंगी लेकिन जुबान नहीं खोल पाएंगे, शायद इसी को तानाशाही कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि क्या अब वो सिचुएशन अब आ रही है जहां पर ईडी के ऑफिसर्स बेचारे बोल नहीं पाएंगे और क्या वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे? एक ऐसी सिचुएशन पर लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। अकील खान, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अनम्यूट कर लीजिएगा और फिर अंतिम कमेंट के लिए स्वामी सर के पास जाऊंगी। हाँ, अनम्यूट अकील जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ये नीलू जी हो चुका है, एक अफसर ने, ईडी के अफसर ने आत्महत्या की हुई है इसमें। तो मैं ये कहना चाहूंगा, प्रेम जी बोल रहे थे सीजीआई के बारे में, तो सीजीआई ने साफ साफ कहा है कि जो चंडीगढ़ के केस में कि जिसे थे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी और उन्होंने फौरन सारे के सारे रिकॉर्ड बुलवाए हैं और उसकी सुनवाई अभी होने वाली है, वो होगी जरूर, और उसको उन्होंने बोला कि ये तो एक्सट्रीमिटी हो गई है, ये मतलब इतना हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक सेइंग है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, कितने केसेस हो चुके हैं, कितने प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे देश में, दुनिया में, सब जगह हो चुकी है। तो ये अभी इतनी ब्लीक कंडीशन नहीं है, इतनी 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 खराब स्थिति नहीं है कि इसको संभाला ना जा सके, ये संभलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता और देश के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं और जो बैठे हुए हैं मीडिया में, जो चारों हमारे जो स्तंभ हैं उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें दिल में जरूर देश के प्रति जो भावनाएं हैं, देश के प्रति जो प्रेम है और देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है वो निभाएंगे। और कुछ बीजेपी वाले लोग भी अगेंस्ट में हैं अपनी लीडरशिप के, वो भी उन्होंने अप्रोच किया है, सब जगह अप्रोच किया है, वो ये चाहते हैं कि मतलब इस तरह का जो ऑटोक्रेसी और जिस तरह से तानाशाही है ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी पूरा देश को फेस करना है। आज अभी खत्म नहीं हो रही है देश की डेमोक्रेसी इस वक्त, और अभी वो आगे बढ़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा, और उसके लिए सब तैयार होकर के इस बात को फाइट करते रहेंगे कि हमें जो है डेमोक्रेटिक राइट्स हमें मिलना चाहिए और डेमोक्रेसी को हम सब करेंगे। सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं, और जो बात अभी प्रेम जी कह रहे थे कि भाई ईडी के ऑफिसर्स आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, अब ईडी मान लीजिए कि ईडी का मोडस ऑपरेंडी वही है जो आज आतिशी ने कहा है कि भाई देखिए ऑडियो डिलीट करना, स्टेटमेंट्स को इरेज कर देना, विटनेसेस पर जबरन उनको जबरन उगलवाना चीजें, अगर ये मोडस ऑपरेंडी है तो जाहिर सी बात है कि आज इतना बड़ा खुलासा आतिशी ने तो कर दिया, लेकिन अगर कोर्ट में ईडी के अफसर अगर ये खुलासा कर देंगे तब तो मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं अब बहुत दूर की कौड़ी एक देख रही हूँ और वही सवाल आपसे कर रही हूँ जो नॉर्मली हम लोग फिल्म्स में देखते हैं कि गुंडे क्या करते हैं कि भाई कोर्ट के अंदर जाने के पहले या तो उसको मार दो, उड़ा दो उसको गोली से, या उसको ऐसा कुछ कर दो कि वो कोर्ट पहुंच ही ना पाए। क्या वो एक स्थिति आ गई है कि अब ईडी के ऑफिसर्स को खुद ही बीजेपी की सरकार ये इंश्योर करेगी कि वो ना कोर्ट जाए ना उनके मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हो?
तो उनके पास क्या होगा कि भाई उनको मरवा दिया जाएगा या वो कहीं एक्सीडेंट में कुछ हो जाएगा? क्या आप ऐसे इंसिडेंट्स पर आकर देश खड़ा हो गया है? देखिए नीलू जी, हो सकता है शाहरुख खान के बेटे को 7 ग्राम उसके दोस्त की उसमें 7 ग्राम कोकीन थी या गांजा था, जो भी था, जेल में रख दिया ना। सीबीआई डायरेक्टर वर्मा साहब कोई फाइल पे दस्तखत करने वाले थे, रात को 12 बजे रेड करके उनको हटाया गया। एक चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने कोई अपोजिशन किया था, उनकी बीवी पर उनके उनके ऊपर केसेस लगा के उनको पसे हटा दिया गया था। देखिए मुश्किल क्या है कि ये जो अकील साहब कह रहे हैं कि इतनी बुरी स्थिति नहीं है, स्थिति इतनी ही बुरी है। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जनता इतनी डरी हुई है, इतनी भयभीत है, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएं, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएं, बीजेपी 100 सीट नहीं जीत सकती। मेरा जो डाउट है वो ये है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे, लोगों को मोहल्लों से नहीं निकलने दिया जाएगा, जो आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस को वोट देने वाले होंगे। आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, वोटर लिस्ट में नाम डलवाइए। ये जिस तरह रामपुर के अंदर हुआ, मुरादाबाद के अंदर हुआ, अरे लोगों को मोहल्ले से निकलने ही नहीं दिया जाएगा वोट देने के लिए, करते रहेंगे बाद में शिकायत, उन्हीं के लोग वोट डालेंगे, वो ईवीएम घर में जाएंगे। एक और बदायूं के अंदर हुआ केस, जाएंगे घर में आपको 2000 रुपए देंगे और 2000 रुपए दे के और आपके हाथ में निशान लगा देंगे जिससे आप वोट ना दे पाए। आप 2000 लेके चुप हो जाएंगे, वहां जाके आपका वोट डाल देंगे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर सब आपका आदमी होगा। इसीलिए बिहार के अंदर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बीजेपी अपने हाथ में ले लिया है, यही कोशिश झारखंड में कर रहे थे, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बिना ये इस तरह की हेराफेरी नहीं कर सकते। निष्पक्ष चुनाव हो जाए, जनता की आवाज सुनी जाए, ये सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन जो परिस्थिति आज की तारीख में बन रही है, गलतफहमी मत रहिए, एकजुट हो जाइए, मिलजुल के लड़िए, जनता आपके साथ है। लेकिन जनता को वहां तक उसके वोट काउंट हो, इसको इंश्योर करना आपका कर्तव्य है। चलिए अब देखना होगा, लेकिन आज के एक्सपोजे के बाद मुझे तो यही लग रहा है इस डिस्कशन के बाद कि ईडी के जो अफसर हैं उनकी हालत बहुत बेचारे वाले, बहुत बेचारगी वाली हालत हो गई है। और कैसे ये अपने आप को डिफेंड करेंगे ये ईडी के ऑफिसर्स, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी अगर इनको एक्सपोज करना होगा मोदी सरकार का कोर्ट में, तो वाकई में इनके लिए मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अखिल स्वामी, अखिल खान, प्रेम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज लॉन्चर पर। थैंक यू।